सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, विंडोज़ 11 में जो है विंडोज़ 10 का क्लासिक माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो है गूगल क्रोम ओपन कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको जो यहाँ पर गूगल के सर्च बार में टाइप करना है विंड 7 गेम्स MS पेंट। तो आपको जो है यहाँ पर जो फर्स्ट वाली लिंक है इसको जो है ओपन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है लास्ट तक स्क्रॉल डाउन करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लासिक पेंट MS पेंट। तो आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर उसके बाद आपको जो है यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप जो है यहाँ पर डाउनलोड पेंट के ऊपर क्लिक कीजिए, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं, तो अभी आपको जो है ओपन कर बताऊंगा। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं क्लासिक पेंट, इसको जो है ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं क्लासिक पेंट, आपको जो है इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है फिर से यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको जो है अनचेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिनिश के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ 10 का क्लासिक माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। तो इस तरीके से जो है आप दोस्तों इजीली विंडोज़ 11 में जो है विंडोज़ 10 क्लासिक पेंट जो है यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।